मुसीबत के समय अपनी रक्षा स्वयं करने के उद्देश्य को लेकर कलरीप यूथ एसोसिएशन द्वारा विश्वकर्मा मंदिर परिसर में बच्चों को आत्म रक्षा के गुर सिखाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर 2 दिन तक चलता रहेगा, जिसमें बच्चों को मार्शल आर्ट और कराटे सिखाए जा रहे हैं ताकि वे अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम हो सकें। विश्वकर्मा मंदिर परिसर में कलरीप यूथ एसोसिएशन द्वारा कराटे सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार 2 दिन तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को कराटे के विभिन्न अभ्यास करवाए जा रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश कलप ड्रम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जोगिंदर सिंह आजाद ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा ये 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके लिए केरल से आए हुए मास्टर साहजी एस कोटरम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। अभी हमारा जो है इधर विश्वकर्मा टेम्पल मंडी में जो है 2 दिवसीय कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट, जो कि इंडिया का सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट है, उसका सेमिनार लगा रहे हैं इधर। तो इसके लिए मैं केरला से मास्टर जो इसके स्पेशलिस्ट है उनको हमने बुलाया हुआ है, श्री सेंसेई साहजी एस कोटरम, जो बच्चों को 2 दिन इस इवेंट की बेसिक रूल्स और बेसिक ट्रेनिंग देंगे। तो ये जो हमारा स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स में भी इंक्लूड है, तो इसमें हमारी 6 इवेंट जो है स्पोर्ट्स में इंक्लूड है, जो कि स्पोर्ट्स कोटे में भी आएगी और आने वाले टाइम में इसको जो है ओलंपिक एसोसिएशन में भी शामिल किया जा रहा है। केरल से आए हुए मास्टर साहजी एस कोटरम ने बताया कि यह शिविर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं ताकि वे मुसीबत आने पर अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। उन्होंने कहा कि इस दौरान बच्चों को मार्शल आर्ट और कराटे सिखाए जा रहे हैं ताकि वह आत्मरक्षा करने में सक्षम हो सके। Because Kalaripayattu is our own martial art, from origin is from India, and is known as the mother of all martial arts. So the history says that karate, kung fu, taekwondo, everything has its origin from the Kalaripayattu, the Indian martial art. So now it was up to this time it was trained 4 years as a traditional martial arts. Now we have turned into a sports Kalaripayattu. Rules made of sports Kalaripayattu rules, and it was made sports event. Now World Kalaripayattu Federation is there. It is recognized by ICSSB, which was recognized by International Olympic Committee. Then Asian Kalaripayattu Federation, then Kalaripayattu Federation of India, and thus hierarchy is there. Now almost 26 states are members of Kalaripayattu Federation of India. Already 4 nationals have been over, and. Now next national open championship is going to take place in December. So we are very happy for the Himachal Pradesh to conduct this training, and Kalaripayattu Federation of India will do all help to develop Kalaripayattu in Himachal Pradesh. And I hope that good competitors from Himachal Pradesh will emerge out.